आइलैंड एग्रीकल्चर क्या होता है? द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंटायरली ऑन रेन फेड कंडीशन। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, कल्टिवेट करते हैं, कैसी कंडीशन में? रेन फेड कंडीशन में। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेन फेड? रेन फेड कंडीशन का मतलब होता है कि एक ऐसी कंडीशन जब रेन बहुत कम होती है, वो एरियाज जहाँ बहुत कम रेनफॉल होता है उनको बोलते हैं रेन फेड। और ऐसी कंडीशन में जब हम क्रॉप्स को ग्रो करेंगे दैट इज़ नोन एज ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। अब ये ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रेनफॉल कि कितनी बारिश हो रही है। बेसिकली ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में जो रेनफॉल होता है वो बहुत कम होता है, पर कहाँ पे कितना रेनफॉल होता है उसके अकॉर्डिंग हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग। और ये क्लासिफिकेशन हमने करा है एनुअल रेनफॉल के बेसिस पे, तो हमें पता होना चाहिए कि इन तीनों में जो एनुअल रेनफॉल है वो कितना, उसका अमाउंट कितना है। बेसिकली एनुअल रेनफॉल को हम मेज़र करेंगे मिलीमीटर में। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ड्राई फार्मिंग के बारे में। तो ड्राई फार्मिंग में जो रेनफॉल होता है वो बहुत कम होता है, ये 750 mm से भी कम होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बारिश बहुत कम है, तो ये बेसिकली एकदम टोटल एरिड रीजन है, एकदम ड्राई रीजन है। और यहाँ पर क्या होता है कि एरिड रीजन है और यहाँ पे हम क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते भी हैं तो क्रॉप फेलियर होने के चांसेस होते हैं। अब क्रॉप फेलियर होने के चांसेस क्यों होते हैं? बिकॉज क्योंकि बारिश बहुत कम है और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है जनरली जो क्रॉप हम कल्टीवेट करते हैं, क्रॉप फील्ड में होती है, तो उस टाइम पर बहुत लंबे टाइम तक ड्राई स्पेल बने रहते हैं। ड्राई स्पेल्स माने सूखा पड़ जाता है। तो क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं पर ड्राई स्पेल्स बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, इसकी वजह से क्रॉप फेल हो जाती है ग्रो करने में। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम इस कंडीशन में करना चाहिए। अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर लैंड पे हम क्रॉप्स को कल्टीवेट करेंगे, ओके। क्रॉप्स कल्टीवेट करने के बाद हम उसमें दूसरी एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक उसमें एग्रोफॉरेस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री भी कर सकते हैं। तो उसी लैंड पे जो हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम। आफ्टर दैट ड्राईलैंड फार्मिंग में क्या होता है? ड्राईलैंड फार्मिंग में जो रेनफॉल का अमाउंट है वो बढ़ गया है। बेसिकली इन सारी क्लासिफिकेशन में हमें अमाउंट ऑफ रेनफॉल याद रखना है क्योंकि ये क्लासिफिकेशन रेनफॉल के ही बेसिस पे है। तो ड्राई फार्मिंग में बहुत कम बारिश थी, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग में आते हैं तो बारिश थोड़ी ज़्यादा होती है, दैट इज़ 750 mm टू 1150 mm, और ये सेमी एरिड रीजन की तरफ होता है ऐसा। यहाँ पर क्या होता है, क्रॉप फेलियर के क्रॉप जैसे पहले क्रॉप फेलियर के चांसेस थे, लेकिन ड्राईलैंड फार्मिंग में क्रॉप फेलियर नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, ड्राई स्पेल्स बने रहते हैं। और ड्राई स्पेल्स कैसे बने रहते हैं? यहाँ पे जो ईटी होता है, ईटी का मतलब होता है इवेपोट्रांसपायरेशन। इवेपोट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि जो इवेपोरेशन होता है मींस मॉइस्चर का लॉस होना या वाटर का लॉस होना फ्रॉम सॉइल सरफेस। जब हम प्लांट को ग्रो करते हैं तो प्लांट की जो सॉइल के सर्फेस से बहुत सारा मॉइस्चर लॉस होता है जिसको बोलते हैं इवेपोरेशन। और ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उनमें से मॉइस्चर लॉस होता है। तो सॉइल सरफेस से मॉइस्चर लॉस होगा तो इवेपोरेशन बोला जाएगा, और प्लांट्स के सरफेस से वाटर लॉस होगा तो ट्रांसपिरेशन होता है, और दोनों को कंबाइन करके बनता है इवेपोट्रांसपिरेशन। और इवेपोट्रांसपिरेशन जब ज़्यादा होता है टोटल प्रेसिपिटेशन से, टोटल प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली जो भी वाटर इवेपोरेट होकर एटमोसफेयर में जाता है दैन अगेन वो एटमोसफेयर में वापस आता है, इट कम बैक टू एटमोसफेयर इन एनी फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ स्नो, इन द फॉर्म ऑफ रेन एक्सेट्रा। तो किसी भी फॉर्म में जब वो वापस एटमोसफेयर से अर्थ के सर्फेस पर आता है वाटर, दैट इज़ नोन एज टोटल प्रेसिपिटेशन। तो जब प्लांट्स पे इवेपोट्रांसपिरेशन लॉस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रेसिपिटेशन, तो ड्राई स्पेल्स की कंडीशन आ सकती है। और ऐसे कंडीशंस में सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेनफेड फार्मिंग में क्या होता है, रेनफेड फार्मिंग अमाउंट ऑफ रेनफॉल बढ़ गया है। अगर आप पैटर्न देखें रेनफॉल का तो ड्राई फार्मिंग बहुत कम बारिश थी, ड्राईलैंड मीडियम रेनफॉल थी, रेनफेड फार्मिंग में अमाउंट ऑफ रेनफॉल ज़्यादा है, यानी मोर देन 1150। और ये ज़्यादा बारिश है तो यहाँ पे ह्यूमिड रीजन की तरफ ही आता है। यहाँ पे क्रॉप फेलियर और ड्राई स्पेल्स कम होते हैं। कम क्यों हो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो रही है तो ड्राई स्पेल्स क्रॉप फेलियर के चांसेस कम है। लेकिन यहाँ पे रेनफॉल अमाउंट ज़्यादा है तो यहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बहुत सारा पानी आता है बारिश से, तो ड्रेन कैसे करें उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम इन एरियाज़ में होती है। तो बेसिकली इस क्लासिफिकेशन में हमको अमाउंट ऑफ रेनफॉल तीनों का याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम डिस्कस करते हैं कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम्स और प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। तो बेसिकली जो पहली प्रॉब्लम हमें ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में दिखती है वो है इनएडिक्वेसी एंड अनसर्टेनिटी रेनफॉल। मींस अब ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है मींस वहाँ बारिश तो कम होती है, बारिश कैसी होती है, इनएडिक्वेट होती है और अनसर्टेन होती है। मींस कोई टाइम नहीं होता बारिश का, कभी भी होती है, कुछ उसका अमाउंट भी फिक्स नहीं होता, कहीं ज़्यादा कहीं कम। और जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि वो भी एकदम अनसर्टेन होता है, मींस रेनफॉल कहीं ज़्यादा हो रही है तो कहीं कम हो रही है, तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लेट ऑनसेट एंड अर्ली सेसेशन ऑफ रेन्स। मॉनसून जो होता है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, बहुत लेट आता है, और आता भी है तो जल्दी चला जाता है मॉनसून का सीज़न। उसके बाद क्या होता है कि क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं तो वो उस टाइम पे ड्राई स्पेल्स बने रहेंगे, प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स, बहुत लंबे टाइम तक क्रॉप्स जो होती हैं ड्राई कंडीशन सफ़र करते हैं, तो उसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होती।
और साथ साथ में जो सॉइल होती है उसकी मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी पुअर हो जाती है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है सोशो इकोनॉमिक कॉन्स्टेंस। अब सोशो इकोनॉमिक कॉन्स्टेंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर होता है, मतलब उस वहाँ उस एरिया के जो लोग होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो बेसिकली स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के पास जो लैंड होता है वो बहुत ही कम होता है, मीन्स 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन उनके पास होती है। और लैंड जो होता है बेसिकली स्कैटर्ड और फ्रेगमेंट होता है। तो सोशो इकोनॉमिक कॉन्स्टेंस का मतलब यही है कि फार्मर्स जो हैं स्मॉल और मार्जिनल हैं, वो अपने नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। मतलब नेक्स्ट फैक्टर यही है, टेक्नोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल कॉन्स्टेंस, ये दोनों थोड़े कनेक्टेड हैं। टेक्नोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट कॉन्स्टेंस में क्या ही है, यही है कि फार्मर्स जो हैं स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपनी जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनको ही यूज़ कर रहे हैं, और जो पुरानी लोकल वैराइटीज़ हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं आ रहे हैं। वो उनके अंदर डर है कि वो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा है, और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास होते हैं तो वो कुछ कर भी नहीं पाते। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये एक तरह की प्रॉब्लम है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में। पर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में अगर हम प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो वहाँ संभावना क्या क्या है, तो वहाँ पे हम बेसिकली जो हमारी पर्ल्स क्रॉप होते हैं, लाइक जितनी भी पर्ल्स होती हैं, उड़द, मूंग, ये सब हम वहाँ अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑयल सीड क्रॉप्स होते हैं, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ये वहाँ पे अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे कोर सीरियल्स होते हैं लाइक सॉर्गम, ठीक है, ये सारे क्रॉप्स जो होते हैं बेसिकली ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में इनकी प्रोडक्टिविटी ठीक ठाक हो जाती है। नेक्स्ट हमें देखना है व्हाट इज़ ड्राउट एंड व्हाट आर इट्स टाइप। इफ़ यू आस्क विद अ ले मैन लाइक एनी फार्मर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्राउट, तो ड्राउट का सिंपल मीनिंग होता है सूखा पड़ना। बट सूखा कब पड़ता है? जब बारिश कम हो रही है। तो बारिश कितनी कम हो रही है वो अमाउंट हमें पता होना चाहिए, उसी अमाउंट से हम ड्राउट की डेफिनेशन बनाते हैं। तो ड्राउट क्या होता है? ड्राउट एज अ सिचुएशन अकरिंग इन एन एरिया इन अ ईयर व्हेन एनुअल रेनफॉल इज़ लेस देन 75% ऑफ द नॉर्मल। सपोज नॉर्मल 100% रेनफॉल होता है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब 100% का 75% कम बारिश जहाँ होगी उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि वहाँ ड्राउट आई है। तो ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्राउट की, ये परसेंट ही याद रखना है कि अगर 100% नॉर्मल परसेंट का 75% कम बारिश जहाँ होगी और ऐसी सिचुएशन कभी भी कहीं आएगी, दैट इज़ कि वहाँ ड्राउट है। अब ड्राउट कितने टाइप्स की होती है? ड्राउट जनरली दो टाइप्स की होती है, सीवियर ड्राउट एंड एग्रीकल्चर ड्राउट। सीवियर ड्राउट में क्या होता है कि जो रेनफॉल हो रहा है, नॉर्मल रेनफॉल सपोज अगर 100 है तो रेनफॉल, एक्चुअल रेनफॉल जो हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। वो कितना कम है? 50% से ज़्यादा कम, मतलब 50% से ज़्यादा यानी 51% कम रेनफॉल हो रही है, या 52% कम रेनफॉल है, 50 से ज़्यादा यानी 60-70% कम रेनफॉल हो रही है। तो अगर 50% से ज़्यादा का अमाउंट का रेनफॉल डिफिशेंसी है कहीं पे, दैट इज़ वो सीवियर ड्राउट है। लेकिन एग्रीकल्चर ड्राउट अलग होता है। एग्रीकल्चर ड्राउट में क्या होता है कि सपोज हम कोई क्रॉप ग्रो करते हैं और क्रॉप्स हमें पता है कि सॉइल से मॉइस्चर लेके मॉइस्चर लेते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर ड्राउट एक ऐसी कंडीशन होती है जब सॉइल में मॉइस्चर इतना नहीं होता कि वो क्रॉप की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। हर एक क्रॉप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉइल से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है ताकि वो अपनी डिमांड को, जो क्रॉप्स की डिमांड होती है पोटेंशियल, मतलब कोई भी डिमांड होती है लाइक इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन डिमांड, उसको फुलफिल कर सके। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी कि सॉइल मॉइस्चर ही नहीं बचेगा प्लांट की ग्रोथ के लिए, दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर ड्राउट। वेल, सॉइल मॉइस्चर इज़ नॉट सफिशियंट टू मीट द PET डिमांड ऑफ अ क्रॉप। PET का मतलब होता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन डिमांड ऑफ क्रॉप। हर एक क्रॉप की अपनी स्पेसिफिक पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन डिमांड होती है, और जब वो डिमांड सॉइल के मॉइस्चर से फुलफिल नहीं हो पाती, दैट इज़ कि सॉइल में मॉइस्चर की कमी है, तो उसको हम एग्रीकल्चर ड्राउट बोलते हैं। नाउ अब हमें दो टर्म्स याद रखने हैं, व्हाट इज़ ड्राउट एरिया एंड व्हाट इज़ क्रॉनिक ड्राउट एरिया। सिंपली अगर किसी एरिया में साल का 20% सूखा पड़ा रहेगा तो वो ड्राउट एरिया में कंसिडर्ड होगा। लेकिन अगर कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे साल का मोर देन 40% अगर सूखा पड़ा रहे तो वो क्रॉनिक ड्राउट एरिया में आएगा। यानी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ड्राई जो है क्रॉनिक ड्राउट एरिया है, क्योंकि क्रॉनिक ड्राउट एरिया में 40% से ज़्यादा जो एरिया है वो सूखा है, और ड्राउट एरिया में 20% है। तो यहाँ पे ये दोनों अमाउंट आप याद रखना, 20% जो होगा वो ड्राउट एरिया में है, और 40% से ज़्यादा अगर कहीं सूखा है साल में तो वो क्रॉनिक ड्राउट एरिया। क्रॉनिक का मतलब ही है एकदम एक्सेसिव अमाउंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा सूखा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमें देखना है डिफरेंट इंडेक्स में हमें बेसिकली इस चैप्टर में हमें 4 इंडेक्स पढ़ने हैं। पहला है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी का मतलब है मॉइस्चर अवेलेबल होना। अब मॉइस्चर कैसे अवेलेबल होगा? प्लांट्स को मॉइस्चर कहाँ से आता है? रेनफॉल से। तो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स बेसिकली एक रेशियो होता है। किस चीज़ का रेशियो है? ये रेशियो है रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी टू PET। PET का हम पहले पढ़ चुके हैं। PET का मतलब होता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। अब ऐसे इसका बेसिक मतलब क्या होता है? पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन का मतलब होता है जब क्रॉप्स को हम नेचुरल कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं, मीन्स कोई कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं है, नेचुरल कंडीशन हैं,
ठीक है, फील्ड में नेचुरली हम उसको ग्रो कर रहे हैं, और उस नेचुरल कंडीशन में सॉइल में से कितना मॉइस्चर लॉस हो रहा है और प्लांट्स में से कितना मॉइस्चर लॉस होता है बाय ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, उस नेचुरल कंडीशन में हो रहे प्रोसेस को हम बोलते हैं PET, दैट इज पोटेंशियल एवेपोट्रांसपीरेशन, और इन दोनों का जो रेशियो बनता है वो होता है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स। नेक्स्ट इंडेक्स है एरिडिटी इंडेक्स। एरिडिटी का मतलब होता है ड्राइनेस, सूखा, और सूखा कब होगा, जब वाटर डेफिशिएंट होगा यानी पानी की कमी होगी। तो एरिडिटी इंडेक्स को निकालने का तरीका है वाटर डेफिशिएंट डिवाइड बाय PET इनटू 100। इसी तरह नेक्स्ट हमारा रेशियो है मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स, यानी मॉइस्चर डेफिशिएंट होना, मॉइस्चर कम होना। तो मॉइस्चर कम होने वाले इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं, ये निकालने का तरीका है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हम पहले ही समझ चुके हैं, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि जो भी वाटर अर्थ सर्फेस से इवेपोरेट होकर एटमोसफेयर में जाता है, उसके बाद जब वो वापस कम बैक होता है एटमोसफेयर में इन द फॉर्म ऑफ स्नो, रेनफॉल एक्सेट्रा, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे हम कैसे करते हैं, प्रेसिपिटेशन को माइनस करेंगे PET से डिवाइड बाय PET इनटू 100। ये सिंपल फॉर्मूला तैयार होता है मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स का। और लास्ट इंडेक्स है थॉर्नथवेट मॉइस्चर इंडेक्स। थॉर्नथवेट मॉइस्चर इंडेक्स बेसिकली रिलेटेड है इवेपोरेशन से। इसमें हम देखते हैं कि परसेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअल इवेपोरेशन, इवेपोरेशन जो है बेसिकली सॉइल के सर्फेस होता है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे PET यानी पोटेंशियल इवेपोट्रांसपीरेशन से, एंड आफ्टर दैट वी गेट थॉर्नथवेट मॉइस्चर इंडेक्स। Now we will discuss about how crops will adapt in a dry growing condition. Crops अपने आप को dry condition या drought में किस तरह से adapt करते हैं, means किस तरह से वो adjust करते हैं वहाँ पे। तो plants में दो mechanism work करते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे adjust कर पाते हैं। One is escaping drought, another one is drought resistance. इन दोनों में क्या difference होता है? Escaping drought का मतलब होता है कि जब crop grow हो रहा है उस time पे अगर drought आ भी जाती है तो crop उस period को escape कर देगा, यानी escape करेगा, बच जाएगा। और drought resistance का simple मतलब ये होता है कि अगर क्रॉप ग्रो कर रहा है और उस टाइम पे ड्राउट की कंडीशन आ जाती है तो क्रॉप क्या करते हैं, क्रॉप की जो मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजी होती है उनमें कुछ ऐसे सडन चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से क्रॉप उस ड्राउट वाले पीरियड को रेजिस्ट कर पाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्केपिंग ड्राउट क्या होता है। तो स्केपिंग ड्राउट में अगेन दो मैकेनिज्म वर्क करते हैं, इसमें दो मैथड्स हैं। द फर्स्ट वन इज एफीमेरल ड्राउट एंड नेक्स्ट इज अर्ली मेच्योरिंग वैरायटी को ग्रो करना। एफीमेरल ड्राउट्स में क्या होता है, एफीमेरल ड्राउट का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट्स ग्रो करना जो अपनी लाइफ साइकिल बहुत कम समय में पूरी कर लेते हैं, मींस ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वेरी शॉर्ट पीरियड। होता क्या, इन प्लांट्स में दे स्पेंड देयर लाइफ इन फेवरेबल कंडीशन, बट व्हेन अनफेवरेबल कंडीशन कम्स दे बिकम डोरमेंट। यस, वो डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, यानी कि वो सीड बन जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो जर्मिनेशन इनहिबिटर्स होते हैं वो उसमें वर्क करते हैं, सीड के अंदर जर्मिनेशन इनहिबिटर एक्ट करते हैं और वो सीड का जर्मिनेशन होने नहीं देता। तो सीड प्लांट जो होता है वो सीड फॉर्म में ही रहता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब ड्राई या ड्राउट की कंडीशन आती है तो प्लांट उसी डॉर्मेंट स्टेज में रहेगा। इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल है सॉर्गम की एक वैरायटी है CO16, वो बेस्ट एग्जाम्पल है इस कंडीशन का, एफीमेरल ड्राउट इसमें शो होती है। इसके अलावा जो सीड डॉर्मेंसी होती है वो बेसिकली एफीमेरल ड्राउट का ही वर्क है। और नेक्स्ट है अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी। अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी में फॉर एग्जाम्पल उपास 120 जो कि पीजन पी की बहुत ही फेमस वैरायटी है और ये अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है। तो ये जो एफीमेरल ड्राउट्स और अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज़ हैं ये दोनों कंसेप्ट आते हैं स्केपिंग ड्राउट में। ये दोनों की वजह से जो ड्राउट का पीरियड है वो क्रॉप स्केप कर पाता है। लेकिन जो ड्राउट रेजिस्टेंस है उसमें क्या होता है कि क्रॉप ग्रो कर रहे हैं और ड्राउट की कंडीशन भी एग्जिस्ट कर रही है, तो उस टाइम पे क्रॉप को किस क्या करना होता है, क्रॉप को ड्राउट को रेजिस्ट करना होता है। रेजिस्ट करने के अगेन दो मैकेनिज्म होते हैं, वन इज़ ड्राउट अवॉइडेंस एंड अदर वन इज़ ड्राउट टॉलरेंस। अवॉइडेंस और टॉलरेंस में क्या फ़र्क होता है, अवॉइडेंस में क्या होता है कि एज वी आर अवॉइड समथिंग सो हम क्या करते हैं, हम किसी दूसरी एक्टिविटी में इंगेज हो जाते हैं और उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। सिमिलर थिंग हैपन विद प्लांट्स ऑल्सो, प्लांट्स भी क्या करते हैं, ड्राउट अगर आ जाती है तो प्लांट्स विल अवॉइड, ट्राई टू अवॉइड दैट कंडीशन। और वो कैसे अवॉइड करेंगे, वो अपने आप को किसी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे और अपनी इसकी वजह। अब ड्रॉट अवॉइडेंस के टाइम पे क्या होता है कि जब प्लांट अवॉइड करते हैं उस सिचुएशन को तो प्लांट्स की जो फिजियोलॉजी होती है वो बहुत ही कम अफेक्ट होती है। लेकिन ड्राउट टॉलरेंस में क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो उस कंडीशन को टॉलरेट कर रहे होते हैं, तो टॉलरेट होने की वजह से प्लांट की फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। तो ये बेसिक एक डिफरेंस है ड्राउट अवॉइडेंस और ड्राउट टॉलरेंस में, कि अवॉइडेंस के टाइम पे प्लांट की फिजियोलॉजी ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती, लेकिन ड्राउट टॉलरेंस के टाइम पे प्लांट फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। अब ड्राउट अवॉइडेंस में अगेन इसमें दो मैकेनिज्म वर्क करते हैं। पहला है कंजर्व वाटर एंड वाटर सेवर, मीन्स प्लांट्स ड्राउट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो प्लांट्स ड्राउट को अवॉइड करने के लिए अपना जो वाटर है सॉइल में जो मॉइस्चर अवेलेबल है या वाटर है उसको कंजर्व करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैकेनिज्म इज इम्प्रूव वाटर अपटेक, यानी इसको हम बोलते हैं वाटर स्पेंडर्स। या तो प्लांट अपना वाटर कंजर्व करेंगे या फिर
प्लांट्स अपना वाटर अपटेक को इम्प्रूव करेंगे। जनरली प्लांट्स जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं वो अपने रूट्स से करते हैं, तो प्लांट्स क्या करेंगे अपनी रूट्स को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से ग्रो करेगा और अपना वाटर अपटेक इम्प्रूव करेगा। तो ये मैकेनिज्म जो होता है ये ड्राउट अवॉइडेंस में हेल्प करता है। जबकि ड्राउट टॉलरेंस में क्या आता है, ड्राउट टॉलरेंस में दो मैकेनिज्म आते हैं अगेन। द फर्स्ट वन इज़ मिटिगेशन ऑफ स्ट्रेस एंड द अदर इज़ हाई लेवल ऑफ टॉलरेंस। तो ये फ्लो चार्ट जो है बुक में मेंशन है, बट इफ़ यू रिवाइज हेयर दैन इट विल बिकम ईजी फॉर यू गाइज टू लर्न फ्रॉम दैट बुक ऑल्सो। तो अभी इस वीडियो में हम स्केपिंग ड्राउट हमने कवर कर लिया है, अब हम ड्राउट अवॉइडेंस के बारे में थोड़े डिटेल में देखेंगे, और जो ड्राउट टॉलरेंट वाला पोर्शन है ये हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अभी हम ड्राउट अवॉइडेंस को अच्छे से देखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस दैट हाउ प्लांट्स कंजर्व देयर वाटर और हाउ प्लांट्स सेव देयर वाटर। इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि प्लांट्स में वाटर लॉस कैसे होता है, कहाँ से होता है। तो प्लांट्स का जो मोस्ट ऑफ द वाटर होता है वो लॉस होता है थ्रू देयर लीव्स। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट टोटली प्लांट की लीव्स से रिलेट रखता है। बेसिकली प्लांट्स की लीव्स में कुछ ऐसा मैकेनिज्म वर्क करता है जो प्लांट्स में वाटर को कंजर्व और सेव करके रखता है। तो ये हमारे आप देख सकते हैं ये फॉलोइंग मेथड्स जो हैं दिए गए हैं, मैकेनिज्म्स दिए गए हैं जिनके थ्रू प्लांट्स वाटर को कंजर्व करता है। तो वन बाय वन हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। द फर्स्ट इज स्टोमेटल मैकेनिज्म। स्टोमेटल मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और ये स्टोमेटा में दो कंडीशंस आती हैं, क्लोज्ड स्टोमेटा एंड ओपन स्टोमेटा की। जनरली ड्यूरिंग द डे टाइम जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन होते हैं, और नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज होते हैं। अब जब डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स जब स्टोमेटा ओपन करते हैं तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से प्लांट्स कैप्चर कर पाते हैं, और इसके दौरान जो प्लांट्स में वाटर का लॉस होता है वो भी जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तब होता है। तो प्लांट्स को क्या करना होता है कि प्लांट्स जब अपने स्टोमेटा को ओपन नहीं करेगा तो प्लांट्स में से वाटर लॉस नहीं होगा। तो जनरली जब ड्राई कंडीशन या फिर ड्राउट की कंडीशन आ जाती है तो प्लांट्स में ये एक मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली वर्क करता है कि प्लांट्स उस टाइम पे अपने स्टोमेटा को क्लोज करेगा, और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी या फिर जनरली मॉर्निंग आवर में ही प्लांट्स अपने स्टोमेटा को ओपन करेंगे। तो ये मैकेनिज्म प्लांट्स में देखा गया है, इट इज़ नोन एज स्टोमेटल मैकेनिज्म। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, प्लांट्स की फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कब अच्छी होती है, जब प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन या कार्बन डाइऑक्साइड लेने की कैपेबिलिटी ज़्यादा हो। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द C4 प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स। तो जो C4 प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर ड्राउट एरिया में पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो ड्राउट एरिया, ड्राई कंडीशंस को रेजिस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल C4 प्लांट्स में आते हैं सॉर्गम, पर्मलेट एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन प्लांट्स में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एफिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है। मींस अगर C4 प्लांट्स अपने स्टोमेटा ड्राई कंडीशंस में ओपन भी कर लेते हैं तो उस कम टाइम में, अगर वो बहुत कम टाइम के लिए अपने स्टोमेटा को ओपन रखते हैं तो उस कम टाइम के पीरियड में भी बहुत सारी CO2 एटमॉस्फेयर से ले सकते हैं। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एफिनिटी, और ये C4 प्लांट्स की कार्बन डाइऑक्साइड एफिनिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एफिनिटी ज़्यादा होगी तो प्लांट्स ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करेंगे अपनी लीव्स में, और प्लांट्स की फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इसके बाद नेक्स्ट है लो रेट ऑफ क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लो रेट ऑफ क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये फिगर में आप देख सकते हैं कुछ प्लांट्स की जो क्यूटिकुलर लेयर होती है वो बहुत थिक होती है, मीन्स पत्ता जो बहुत होता है उसमें क्यूटिकल लेयर पाई जाती है और वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कैंप प्लांट्स जो होते हैं CAM कैंप प्लांट्स, वो ड्राउट एरियाज़ में अपने आप को कैसे सस्टेन कर पाते हैं, क्योंकि इनकी क्यूटिकल बहुत ज़्यादा थिक होती है। जैसे इसमें ही देख सकते हैं इसमें क्यूटिकल बहुत ज़्यादा थिक होती है। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स होते हैं लाइक एलोवेरा की जो लीव्स होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है वो, तो उसके यही रीज़न है कि थिक क्यूटिकल के कारण ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। बेसिकली प्लांट के वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन से ही होता है, और अगर प्लांट्स की क्यूटिकल लेयर बहुत ज़्यादा थिक होगी तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन स्लो डाउन हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो वाटर होगा वो सेव रहेगा। नेक्स्ट मैकेनिज्म है लिपिड डिपॉजिट ऑन लीव्स। अब प्लांट्स में क्या होता है कि कभी कभार प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वहाँ पे लिपिड एक लेयर, लिपिड की शाइन लेयर बन जाती है, लिपिड या फिर वैक्सी लेयर बन जाती है, और ये वैक्सी लेयर क्या होती है ऑटोमेटिकली ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को इनिबिट करती है। ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वाटर कंजर्व रहेगा। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये प्लांट है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा ये कौन सा प्लांट है, कौन सी क्रॉप है। तो ये कौन सा क्रॉप है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपको नहीं पता तो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, पर आप इसका नाम कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये प्लांट जो भी है, क्रॉप जो भी है, इसकी जो लीव्स होती है उनमें एक लिपिड लेयर, एक लिपिड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है जो वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करती है। इसके अलावा रिड्यूस्ड लीफ एरिया। ऑब्वियसली बात है प्लांट्स का जो वाटर लॉस होता है वो लीव से ही होता है, तो प्लांट्स में अगर लीव साइज छोटा होगा तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगा और वाटर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट सेव कर पाएगा। दैन लीफ मॉर्फोलॉजी। लीफ मॉर्फोलॉजी की बात करें तो लीफ मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि कभी कभार
प्लांट्स की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो चेंज हो जाती है. मीन्स अगर हम प्लांट्स की लीव्स देखें तो प्लांट्स की लीव्स ऑलमोस्ट सिमिलर तो होती नहीं है, डिफरेंट होती हैं. कुछ प्लांट्स की लीव बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, शाइनी होती हैं. इस फिगर में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा शाइनी लीव्स हैं, यानी इसकी क्यूटिकल बहुत ज़्यादा थिक होगी. और इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जो ये एलोवेरा प्लांट है इसमें क्या है, लीव्स में लीव्स की जो एजेस हैं उसमें स्पाइंस डेवलप्ड हो चुके हैं. तो बेसिकली इस तरह की जो लीव्स होती हैं इनमें भी क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन लॉस जो लॉस होता है वाटर का वो कम होता है. यानी पत्तों में से ट्रांसपिरेशन कम होगा तो वाटर भी कम लॉस होगा और मोस्ट ऑफ द वाटर सेव रहेगा. दैन नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ऑन्स. जनरली ये वीट क्रॉप है तो जनरली वीट पार्ले में इनमें क्या होता है, ऑन्स हैं ये लंबे लंबे जो खड़े हैं, दीज आर कॉल्ड ऑन्स. और ये ऑन्स क्या करते हैं, इनका क्या काम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. जनरली फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा है कि लीव्स से ही होता है क्योंकि लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, वहीं पे वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड आती है और फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी इंक्रीज होती है. बट जो ऑन्स होते हैं ये भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. हम कह सकते हैं कि टोटल जो 12% फोटोसिंथेसिस इफिशियंसी होती है, जो फोटो बेसिकली ऑन्स जो होते हैं वो अपना 10-12% कंट्रीब्यूट करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जब ये अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं तो मोस्ट ऑफ द ग्रेन फिलिंग जो होती है, इस तरह से वीट में जो ग्रेन्स फिल होते हैं ये बेसिकली ऑन्स के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ही होते हैं. तो ऑन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस इफिशियंसी को मेंटेन करने में और वाटर को कंजर्व करने में. इसके बाद है वाटर स्टोरेज इन प्लांट्स. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें अपना जो अपना वाटर जो होते हैं अपने अंदर स्टोर करे रखते हैं. फॉर एग्जांपल पाइनएप्पल जो होता है, पाइनएप्पल कैन स्टोर वाटर एंड ट्रांसपायर वेरी लेस एंड यूटिलाइज ड्राउट और ड्राई कंडीशन. पाइनएप्पल में जो लीव्स होती हैं ये ट्रांसपिरेशन बहुत कम करती हैं. ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म जब कम हो जाएगा तो पाइनएप्पल में जो मोस्ट ऑफ द वाटर होता है वो उसके अंदर ही स्टोर होता है. तो ये सारे मैकेनिज्म्स जो थे, ये सारे मैकेनिज्म्स प्लांट्स को हेल्प करते हैं ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने में. और ऑटोमेटिकली इन सारे मैकेनिज्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि ट्रांसपिरेशन कम करना है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन लीव से होता है और लीव्स में जब ट्रांसपिरेशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली वाटर जो है वो सेव रहेगा. सो ये फर्स्ट मैथड जो था वाटर सेवर और वाटर कंजर्व वाटर, ये कम्प्लीट हो चुका है. इसके अलावा नेक्स्ट मैथड जो है जो ड्राउट अवॉइडेंस के अंदर आता है वो है इम्प्रूव वाटर अपटेक, और इसको हम वाटर स्पेंडर्स ही बोलते हैं. अब जो इससे पहला मेथड था वाटर कंजर्व करना, वो हमने उसका कॉन्सेप्ट लीव से रिलेटेड था, यानी जो प्लांट्स के पत्ते होते हैं उनसे रिलेटेड रखता था. अब ये जो मेथड है इम्प्रूव वाटर अपटेक, अब हमें ध्यान रखना है कि जो प्लांट अपना वाटर अपटेक करते हैं वो कहाँ से करते हैं, वो करते हैं अपनी रूट से. तो इसमें तीन मैकेनिज्म वर्क करते हैं, फर्स्ट इज रूट डेवलपमेंट एंड रूट शूट रेशियो एंड द लास्ट वन इज इंक्रीज प्लांट ऑस्मोटिक पोटेंशियल. अब हम बात करते हैं पहला रूट सिस्टम की. तो रूट सिस्टम में क्या होता है कि प्लांट्स में देखा गया कि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो अलग अलग लेंथ की होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा शैलो होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डीप होती हैं. तो जनरली जो ड्राई एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो डीप रूट सिस्टम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर प्लांट्स की बहुत ज़्यादा रूट डेप्थ तक जाएंगी, एकदम डेप्थ तक जाएंगी सॉइल की, तो वो सॉइल की डेप्थ से वाटर को अब्जॉर्ब कर पाएंगी, वाटर की जो डेफिशिएंसी या स्कार्सिटी होती है वो नहीं आ पाएगी. तो प्लांट्स में डीप रूट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. और ये डीप रूट सिस्टम बेसिकली किस में पाया जाता है, बहुत सारी जो पल्स क्रॉप्स होती हैं और मूंग, इन सब में जो होती हैं डीप रूट सिस्टम पाया जाता है. तो डीप रूट सिस्टम वर्क्स वेरी एफिशिएंट इन वाटर अपटेक. इसके अलावा रूट शूट रेशियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्लांट्स में जितना ज़्यादा रूट्स ग्रो करेंगी उतना ही ज़्यादा प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है. रूट और शूट रेशियो में बेसिकली क्या होता है कि ये रूट और शूट का रेशियो होता है, मीन्स रूट की कितनी लेंथ है, शूट का कितना लेंथ है. तो उस इन दोनों में जो रूट की ग्रोथ होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू शूट ग्रोथ. मीन्स की अपर पोर्शन जो होता है शूट वो कम ग्रो होना चाहिए और रूट्स की ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली प्लांट्स का जो वाटर अपटेक होता है वो रूट से ही होता है. इसके अलावा जो इंक्रीज प्लांट ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है, इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स अपना वाटर अपटेक करते हैं रूट से, जब वाटर प्लांट्स के एकदम ऊपर की तरफ जाता है शूट में तो किसके थ्रू जाता है, बाय जाइलम. हमने दो चीज़ पढ़ी हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. तो बेसिकली वाटर अपटेक के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो जाइलम होते हैं. तो रूट्स के जो रूट हेयर होते हैं वहाँ से रूट्स जो होती हैं सॉइल से वाटर को लेती हैं, और ये जाइलम की वजह से क्या होता है कि वाटर जो है ऊपर प्लांट्स में जाता है और प्लांट्स अपनी जो डेली रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो ट्रांसपिरेशन नीड होती है, उसको फुलफिल कर पाते हैं. तो ये इसको बोलते हैं इंक्रीज्ड प्लांट ऑस्मोटिक पोटेंशियल, यानी प्लांट का ऑस्मोटिक पोटेंशियल को इंक्रीज़ करना. सो गाइज दिस मच इज कवर्ड इन दिस वीडियो. द रिमेनिंग पोर्शन विल बी कवर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो.